Hi friends, welcome to my channel. First of all, happy Children's Day to all of you, especially to the young mind. तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ग्रेड वन के IMO के क्वेश्चंस सॉल्व करूंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के एग्जाम। तो आप लोगों में से बहुतों को पता होगा कि क्या IMO होता है, इट्स इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड। और ये एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, 10 नवंबर से शुरू हुआ है। तो बेसिकली ये एग्जाम्स क्या होता है, ये दो लेवल्स में होते हैं, लेवल वन एंड लेवल टू। तो लेवल वन में भी तीन सेट हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट। तो सेट ए का जो एग्जाम है वो ऑलरेडी 10 नवंबर को हो चुका है और सेट बी के जो एग्जाम है वो 22 नवंबर को होने वाला है। तो बहुत स्कूल ऑर्गेनाइज करते हैं और इस साल से वो ऑफलाइन ही हो रहा है। आप लोगों को पता है 2 साल ऑनलाइन हुआ था बट इस साल से फिर से ऑफलाइन हो। और सेट सी जो है वो 13 दिसंबर को होने वाला है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो ग्रेड वन के हैं IMO के क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं मैंने। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये ग्रेड वन का है, दूसरे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो जनरली IMO में कैसा आता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। तो नॉर्मल मैथ से भी थोड़ा सा हटके, जहाँ पे आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं कि कुछ पैटर्न है, कुछ सिमेट्री दिखाना है, कुछ सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन आप। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द सीक्वेंस। यहाँ पे आपको कुछ बर्ड्स के सीक्वेंस दिख रहे हैं, सेट ऑफ 3 बर्ड्स। तो स्पैरो है, टूकन है, पीकॉक है, फिर से स्पैरो है, टूकन है, पीकॉक है। तो आपको यहाँ पे इसका सीक्वेंस कंप्लीट करना है। तो जैसे स्टार्ट हुआ है स्पैरो से, फिर टूकन है, फिर पीकॉक है, फिर वैसा ही है। तो उस हिसाब से अगर हम ये पैटर्न फॉलो करें तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए, आप लोग सोचिए। यहाँ पे ये वाला बर्ड होगा या टूकन होगा या स्पैरो होगा या पिकॉक होगा। तो ये सीक्वेंस को अच्छे से, अगर पैटर्न को अच्छे से फॉलो करें तो क्लियरली पता चलता है यहाँ पे हमको क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्या आना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पैरो है, टूकन है, पिकॉक है, फिर से स्पैरो है, टूकन है, पीकॉक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टूकन है, यहाँ पे पीकॉक है, तो हमारा क्वेश्चन मार्क के जगह पे ऑब्वियसली ये सी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ये स्पैरो है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमने यही देखा कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो पैटर्न कैसे है हमें वो समझना है। तो बच्चों आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में ये पैटर्न फॉलो करते हुए चल रहा है, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिए ये तो बहुत इजी था, हम अगले क्वेश्चन में चलते, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखना है कि ये वाला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे कुछ लेबलिंग की हुई है, ए बी सी डी ई। तो क्या क्वेश्चन है, ए एंड ई इज लॉन्गर देन ए एंड डी बाय डैश यूनिट्स, ईच स्क्वायर इन द इमेज स्टैंड फॉर 1 यूनिट। ये जो स्क्वायर्स है वो हर एक 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 यूनिट स्टैंड करता है, मतलब एक एक यूनिट के लिए है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे, ये ब्लैंक स्पेस में क्या आंसर आना चाहिए। 2, 4, 1,
यस। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हमें पहले ऐड करना है ए और ई के साथ और ए और डी के साथ। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई स्क्वायर इज इमेज स्टैंड फॉर 1 यूनिट, तो ये जो बॉक्सेस है, जो स्क्वायर्स है, इनको हमें ऐड करना है। तो ए कितने स्क्वायर्स मिला के बना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये है 1, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू 5। ओके, सिमिलरली ई कितने से बना हुआ है, कितने स्क्वायर ऐड करने से ई बना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ई। तो ई इज इक्वल्स टू ई। तो हम अगर ए और ई को ऐड करेंगे तो ए प्लस ई इक्वल्स टू 5 प्लस 8 कितना होता है बच्चों, 13। वेरी गुड। सिमिलरली ए और डी ऐड करना है, तो ए हमें देखा है ए इज ऑलरेडी 5, और बी कितना है, बी इक्वल्स टू काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बी 6 है। ठीक है, तो 5 और 6 कितना होता है, हमने बी ऐड करना नहीं था, हमें डी ऐड करना था, तो हमें बी नहीं करना है, तो हम इसको अलग कर देते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, हमें डी करना था, तो हमें डी निकालना है। डी कितने हैं बच्चों बताओ, यहाँ पे हमें डी ऐड करना है। तो डी में कितने बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 है ना, या 4 लिखते हैं। तो ए प्लस बी कितना होगा बताओ बच्चों, 5 प्लस 4 होता है 9, तो मतलब ए प्लस ई 13 है, ए प्लस डी 9 है। तो 9 और 13 में कितना डिफरेंस होता है, 13 माइनस 9 इज 4। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 4। ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, देयर आर डैश सर्कल एंड डैश रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर। तो हमें यहाँ पे क्या काउंट करना है बच्चों, कितने सर्कल्स हैं और कितने रेक्टेंगल्स हैं। तो ये बहुत इजी है, वी कैन जस्ट काउंट सर्कल्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 2 है, 5 एंड 6, यहाँ पे भी 2 है, 7 एंड 8, 9, 10, 11, 12। तो सर्कल्स होंगे कितने, 12, और रेक्टेंगल्स कितने हैं, आप लोगों को पता है कौन से रेक्टेंगल्स होते हैं, तो दिस इज 1, 2, ये है 3rd, ये 4th, ये 5th, और ये 6th, और ये ब्राउन वाला 7th। तो रेक्टेंगल्स हमारे पास कितने हैं, 7। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए बताओ बच्चों, क्या आंसर होना चाहिए, हमारे पास आंसर है 12,7। तो हमारे पास ये आंसर है 12,7। ठीक है, आ रहा है समझ में, वेरी। चलिए तो हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ऑड वन आउट। आई एम श्योर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी होता है बच्चों, आप लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे आप लोगों को आ जाएगा, तो डोंट वरी, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो यहाँ लिखा है सिलेक्ट द ऑड वन आउट, तो इसमें ऑड वन आउट हमें निकालना है, तो आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए बच्चों, किस बेसिस पे हमें निकालना है कि ये कौन सा ऑड है कौन सा नहीं। तो देखिए, दिस इज अ कैट, दिस इज अ पेंगुइन, दिस इज अ रैबिट, और ये डॉग है। तो इनमें से क्या सिमिलैरिटी है, कौन सा ऐसा एनिमल है जो और बाकियों से डिफरेंट है, अलग है।
तो कैट इज अ पेट एनिमल, रैबिट इज ऑल्सो अ पेट एनिमल, एंड डॉग भी एक पालतू जानवर है। तो पेंगुइन ही ऐसा है, एक एनिमल कह सकते हैं या बर्ड कह सकते हैं, जो पेट नहीं होता है। तो दिस इज द ऑड वन आउट, राइट? ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों सबको? नाउ वी विल सी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कम्प्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है और यहाँ पे ये खाली है, क्वेश्चन मार्क। तो इन चारों में से कौन सा आपको लगता है जो यहाँ फिट बैठेगा? तो हमें बहुत ध्यान से ये फिगर ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करते हुए हमें ये वाला फोर्थ जो पार्ट है इसका, ये जो सर्कल है इसका जो फोर्थ पार्ट है जो मिसिंग है, वो हमें यहाँ पे दिखाना। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन या कौन सा वाला फिगर यहाँ पे सही सही से बैठेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हम जब घर पे करते हैं, वी कैन ऐसा हम ड्रॉ करके कटआउट करके भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो आपके पास उतना समय नहीं होगा, तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा। आपको ये बहुत अच्छे से सोच के सबको इमेजिन करते हुए, एक कभी इसको रखा है यहाँ पे, फिर इसको रखा, ऐसे करके चारों को यहाँ पे इमेजिन करते हुए सोचना है कौन सा सही है। तो मुझे क्या लगता है कौन सा सही है, आपको अगर दिखे तो ये वाला एक है जो बिल्कुल यहाँ सही बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक लाइन बनी हुई है और एक रेड सर्कल है। तो एक ऐसा यही ऑप्शन है जहाँ पे एक लाइन और सर्कल, बाकियों में कलर का भी एक है, यहाँ पे ब्लू होना चाहिए फिर येलो, यहाँ पे ब्लू येलो है, लाइन भी है बट रेड सर्कल मिसिंग है, यहाँ पे ब्लू येलो है सर्कल है लाइन मिसिंग है, यहाँ तो बिल्कुल ही अलग है, कलर ही डिफरेंट है, यहाँ पे येलो है फिर ब्लू है। तो सब कुछ देखते हुए ये ऑप्शन सही। तो आई एम श्योर आप लोगों को ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। तो पेंसिल इज केप्ट डैश द बुक। तो ये बेसिकली मैथमेटिक्स क्वेश्चन नहीं है, बट कई बार क्या होता है आयोगों में मैथ्स से हटकर भी कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस डाल देते हैं प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म। तो ये भी एक इंग्लिश का ही एक सेंटेंस है जो आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना है, अबव, आउटसाइड, अंडर, ऑन। तो बेसिकली आप सेंटेंस को अगर पढ़ें तो कैसा होना चाहिए, पेंसिल इज केप्ट ऑन द बुक। तो ऑन जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे चूज करना है, तो ऑन। अगर आप लिखेंगे अबव तो कैसा लगा, पेंसिल इज केप्ट अबव द बुक्स, नहीं, आउटसाइड द बुक्स बाहर नहीं, अंडर द बुक्स नीचे नहीं, तो ऑन द बुक्स मतलब बुक्स के ऊपर पेंसिल रखी हुई है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर डैश फ्लावर्स इन ईच टू इक्वल ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स हैं, आपको सिर्फ ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग का मतलब टोटल यहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं, देयर आर 16 फ्लावर्स। तो इसको अगर दो इक्वल ग्रुप में लिखा हुआ है, दो इक्वल ग्रुप में हमको डिवाइड करना है, तो पहले वाले में 8 रखेंगे, दूसरे वाले में भी 8 रखेंगे। तो ऐसे अगर करेंगे तो हमारा दो ग्रुप बनता है, और हर एक ग्रुप में कितने फ्लावर्स हैं, 8 फ्लावर्स, है ना बच्चों? मजा आ रहा है, ठीक है ना? वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। विच प्लेस इज नियर टू प्रज्ञा'स हाउस। मान लेते हैं ये प्रज्ञा का घर है, प्रज्ञा यहाँ रहती है, वो भी ग्रेड 1 में पढ़ती है, मौज मस्ती करती है, पढ़ाई भी करती है और बहुत अच्छे मार्क्स लाती है। आप लोग भी पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो चलिए। तो प्रज्ञा यहाँ रहती है और क्या करती है, वो स्कूल भी जाती है और पार्क भी जाती है। अब उसे कहाँ जाना पसंद है देखते हैं। तो उसके घर से कौन सा एरिया या कौन सा प्लेस नियर बाई है, तो हमें कैसे समझ में आ गया कौन से नियर बाई है, हम ये बॉक्सेस काउंट करेंगे। तो आप देखिए 1, 2, 3, फिर बॉक्स का ये लाइन है 4, 5, 6 और 7। इतने में ही वो स्कूल पहुंच सकती है, लेकिन अगर उसे पार्क जाना है तो कितने बॉक्सेस जाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5,
कौन सा बड़ा होता है बच्चों, 8 या 7? ऑब्वियसली 8 बड़ा होता है तो 7 छोटा होता है। तो प्रज्ञा के घर से कौन सा नजदीक है? स्कूल नजदीक है, क्योंकि 7 इज स्मॉलर देन 8। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ से? हम चूज करेंगे स्कूल। विच प्लेस इज नियर टू प्रज्ञा हाउस? स्कूल इज नियर टू प्रज्ञा हाउस। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स गिवन ऑन ईदर साइड ऑफ। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ द गिवन पेयर एंड फाइंड द मिस्टेक। तो आप लोग ने शेप्स एंड पैटर्न्स पढ़ा है, अलग अलग शेप्स होती हैं, ट्राइंगल होता है, सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है। यहाँ पे हमें सिमिलैरिटी ढूंढनी, एक जैसे दिखने वाले दो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दिख रहा है एक ट्राइंगल है और ये एक कैप है। जनरली हम ऐसा कैप बर्थडेज में पहनते, तो दोनों का सेम शेप है, इसलिए दोनों आइडेंटिकल है, एक ही जैसे दिखने वाले चीज। सिमिलरली अगर सर्कल लेके चले तो इनमें से कौन सा सर्कल ऑब्जेक्ट है? सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये है, ये है और ये है। सर्कल जैसा दिखने वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है? सही पहचाना, फुटबॉल। तो सर्कल की तरह दिखने वाला इन चारों में से ऑप्शन जो सही है वो है ये, क्योंकि ये कौन सा है? फुटबॉल है। तो फुटबॉल है जो सर्कल की तरह दिखता है। ठीक है, और हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। डैश इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द क्यूब। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं क्यू में, क्यू का मतलब है लाइन। तो यहाँ तक जाने के लिए ये सब लाइन में खड़े हैं। इनमें से सबसे बीच में, मिडल में कौन खड़ा है वो हमें देखते। तो नक्श, लतिका, प्रिया, अंश, निहाल, रोहन एंड आशिका। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन मिडल में खड़ा है? पहले हम काउंट करेंगे। तो काउंट करते हुए देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग खड़े हैं। बीच में कौन खड़ा है? यहाँ से भी अगर 3 ले ले, तो यहाँ से भी 3 ले ले, तो बीच में अंश है। तो व्हाट शुड बी द आंसर बच्चों? इसका आंसर होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो बच्चों इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, IMO एक सिंपल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे और मेरे चैनल को अगर आप फॉलो करेंगे, मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, उनको सॉल्व करने का तरीका मैं शेयर करूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पेरेंट्स आप लोगों को अच्छा लगा हो, अपने बच्चों के लिए और भी आप सल्यूशन चाहते हैं और भी ऐसे क्वेश्चंस चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं इन सारे क्वेश्चन का आंसर, या सिर्फ ग्रेड वन नहीं और भी ग्रेड्स के, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन, उनका सोल्यूशन मैं बताऊंगी, वीडियोस पे आपको मैं दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को इससे मदद मिल सके। तो ऐसे ही और भी अगर वीडियोस आपको देखना है, अपने बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो प्लीज अपना ईमेल आईडी कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, मैं जरूर आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन पेपर्स शेयर करूंगी। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत मेरे वीडियो को देख सके और वहां से हेल्प ले सके, आपके बच्चों के लिए और अपने खुद के लिए। तो आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई प्रॉमिस आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी और लाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
एक बार और से हैप्पी चिल्ड्रंस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।